अध्यात्म की एक यात्रा जो शुरू हुई गंगा द्वार से, जहां से गंगा मैदानी क्षेत्रों की यात्रा आरंभ करती है। हमारे और आपकी तरह एक आम इंसान जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा जो उसके जीवन की दिशा और दशा को बिल्कुल बदल कर रख देगा। आज उस व्यक्ति को हम जानते हैं श्रद्धेय स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज श्री के नाम से। जीवन में घटित उस घटना के बाद महाराज श्री ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जैम में फाइनल में गुरुकुल कांगड़ी में रहते हुए एक प्रश्न उठा कि क्यों ना संतों के चरणों में जाकर के देखा जाए कि संत और गृहस्थ में क्या अंतर है। और जो ही हमने वहाँ प्रवेश करके देखा तो संतों के उस सेवा भाव को देख करके और संतों की उस आध्यात्मिक यात्रा को देख करके या के कहिए उनके संग में जा करके जो ही देखा तो एकदम जीवन में परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने के बावजूद वृंदावन की यात्रा की हमने और वृंदावन आकर के देखा तो भक्ति का सर्वोपरि रूप देखा। और जो ही भागवती संहिता में हमने प्रवेश किया, संतों की महिमा में हमने प्रवेश किया तो संतों की करुणा मूर्ति को देख करके ऐसा मन बढ़ा भागवत की ओर कि हम खुद भागवतमय हो गए, उसमें लीन हो गए। और उसके बाद फिर रामकथा में प्रवेश किया, फिर देवी भागवत में प्रवेश किया, एक एक ग्रंथ में हम प्रवेश करते गए और ये कथा की सरिता बहने लगी वहाँ से। श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत एवं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आपने जन जागरण का एक महाअभियान चलाया जिसने बहुसंख्य लोगों को ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख किया। तेरी लीला पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। तेरी लीला पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो आई हूँ अकेले, ये पीछे मैं तो आई हूँ अकेले। कथाओं के इसी क्रम के बीच महाराज श्री ने देश भर की यात्रा की, जहाँ एक ओर आप अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति की आधारा गौ माता की दुर्दशा आपको निरंतर पीड़ा दे रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा वाकया हुआ कि स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज ने पीड़ा उठाया गौ माता की वर्तमान दुर्दशा को सुधारने का। एक दिन घूमते घुमाते किसी गौशाला के निमित्त हमने कथा की और जो ही गौशाला के निमित्त कथा की उस गौशाला में देखा तो बहुत बड़ी दुर्दशा देखी गौओं की। क्या कि 18-19 गौएं उसमें अस्वस्थ पड़ी हुई हैं और उनका इतना बुरा हाल है कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा। फिर डॉक्टरों की टीम को वहाँ हमने बुलाया और डॉक्टरों की टीम को बुलाने के बावजूद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। यद्यपि एक ही रात में 6-7 लाख रुपया उनके ऊपर खर्च किया गया, लेकिन केवल एक ही गऊ बच पाई उनमें से और सारी खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि बगैर साधन के। यदि डॉक्टर वहाँ थे, लोग वहाँ थे, पैसे वहाँ थे, लेकिन एक यदि नहीं थी तो वो व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था के कारण लोग वो गैयाँ खत्म हो गई। बस उसी दिन एक पीड़ा उठी दिल में, क्योंकि मैं कोई अकेला नहीं था वहाँ। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली,
उनके भ्राता श्री मास्टर आज़ाद जो वर्तमान में डिप्टी मेयर हैं दिल्ली के, तो वो मेरे साथ थे। उन्होंने एक निवेदन किया, महाराज श्री इस गौ हॉस्पिटल के निमित्त कुछ किया जाए, यदि नहीं होगा तो ये गौएं ऐसे तड़प तड़प के मरेंगी। वृद्ध, असहाय, बीमार एवं दुर्घटना में घायल हुए गौवंश के इलाज एवं सेवा के लिए महाराष्ट्र द्वारा एक गौ अस्पताल के निर्माण का संकल्प लिया गया। महाराष्ट्र के इस संकल्प में अनेकों महान संतों ने प्रेरणा स्रोत का काम किया। बाबा रामदेव जी महाराज, श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचार्य जी महाराज जयरामाश्रम, और डॉक्टर श्याम सुंदर जी महाराज जो अखिल भारतीय साधु समाज के अध्यक्ष हैं, श्री गरीबदासी समाज के, उसके बाद श्रीनाथ जी महाराज जिससे भागवत की सरिता वही वृंदावन में, जो पितामह भीष्म कहलाते हैं, तो उन सभी ने मिलकर श्री रघुनाथ स्वरूप जी महाराज, श्री अनंतानंद जी महाराज, इन लोगों ने के सामने जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने खुद कदम रखा। श्री ब्रह्मस्वरूप जी महाराज ने जो तुरंत घोषणा कर दी कि मैं 151,000 रुपये आज ही भेंट कर रहा हूँ। श्री श्रीनाथ जी महाराज ने घोषणा कर दी कि 51,000 रुपये मैं भी भेंट कर रहा हूँ। श्री डॉक्टर श्याम सुंदर जी मेरे दादा गुरु ने भी वो घोषणा की कि 51,000 रुपये मैं भी भेंट कर रहा हूँ। और बाबा रामदेव जी ने तो यहाँ तक विश्वास दिलवाया कि तुम आगे तो बढ़ो, जो भी आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं तैयार रहूँगा सेवा के लिए। स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज के प्रयासों को सार्थकता मिली 2 फरवरी 2012 को, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में भाटी मधेरा चौक छठी करा से गोवर्धन की ओर जाने वाले मार्ग पर विशाल गौ अस्पताल के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदी गई। अब हम चाहते हैं कि एक भव्य हॉस्पिटल गौओं के लिए बन के खड़ा हो जाए, ताकि यदि कोई भी गौओं के निमित्त कोई ऐसी समस्या लोगों के सामने ना आए कि वो बीमारी के कारण मर रही है। और मेरा तो कहना ये है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं यही कोशिश करूँगा कि कोई गौ दर्द के कारण, पीड़ा के कारण मर ना पाए। अब वो दिन दूर नहीं है जब किसी बीमारी के कारण कोई गौ माता नहीं मरेगी। देश और समाज की सेवा करने के बाद अब महाराष्ट्र ने अपना संपूर्ण जीवन इस गौ अस्पताल के निर्माण एवं गौवंश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आप भी महाराष्ट्र के इस अद्वितीय सेवा प्रकल्प एवं गौवंश के अस्तित्व की रक्षा के महाअभियान में सहभागी बन असीम पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना सहयोग इस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। संरक्षक सदस्य।